भी बहुत यम्मी है। यम्मी आइसक्रीम। जिस दिन से बच्चों को स्कूल से छुट्टी हुई है, मेरे तो घर के काम ही नहीं खत्म हो रहे। कभी कुछ बना दो, कभी कुछ खिला दो, कभी कुछ कर दो। चलो मैम आइसक्रीम खा लिए, अब हम बैठते। अब हम और चीजें खाएं? यस। मेरा आप बताओ हम क्या खाएं? नूडल्स खाएं? यस। मेरा नूडल्स खाते हैं मजे मजे के। चलो फिर मामा से कहते हैं। मामा जी, मामा ने नूडल्स खाने हैं। प्लीज मामा नूडल्स बनाते हैं। नूडल्स खाने हैं? अभी तो आइसक्रीम खाइए बच्चों। आइसक्रीम तो खत्म हो गई। मामा ने नूडल्स खाने हैं। प्लीज मामा नूडल्स बना देना। अच्छा ठीक है, मैं बना के देती हूँ। मामा जल्दी से बनाना, हम सूप ही पिएंगे उसके। ओके बच्चों, चलो अब नया काम करना पड़ेगा। मामा कब नूडल्स आएगा? ला रही हूँ बच्चों। ये रहे बच्चों, आप लोगों के नूडल्स, जल्दी से बना लो। यम्मी 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 नूडल्स। यम्मी नूडल्स। बहुत स्वीट है। वेरी गुड जॉब। मामा एक बात पता है? जी बेटा। आज आप खाने में क्या बनाएंगे मामा? खाने में अभी तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। मामा मैं बताऊँ हम क्या बनाए? अच्छा आप बता दो क्या खाना। मिनी पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा? बच्चों पिज्जा बनाने के लिए तो इतना काम करना पड़ेगा मुझे। मामा प्लीज बना दे पिज्जा। कोई बात नहीं मामा, इजी तो होता है पिज्जा, इतना मुश्किल नहीं होता मामा। जल्दी से बना दे पिज्जा। लेकिन बच्चों हमने कब से पिज्जा नहीं बनाया खाने के लिए? इजी तो होता है। आज बना दे पिज्जा। अच्छा जी, इतना इजी होता है पिज्जा बनाना? जी मामा इजी तो होता है पिज्जा। तो बच्चों अगर इतना इजी होता है पिज्जा बनाना, तो फिर आप दोनों क्यों नहीं बना लेते? हाँ बनाएंगे पिज्जा। वैसे भी जब से स्कूल से छुट्टियां हुई है ना, आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो घर पे बैठ के, तो इसी बहाने आपकी कोई एक्टिविटी हो जाएगी। मामा बना सकते पिज्जा? जी बच्चों आप दोनों भी बना सकते हो पिज्जा, और पता है आप लोग उसके ऊपर अपनी मर्जी की टॉपिंग भी डाल सकते हो। रेडी मामा? तो सारी चीजें रेडी कौन करेगा? क्या हम कटिंग भी करेंगे मामा? और ओवन में कौन रखेगा? कटिंग वगैरह की आप टेंशन ना लो, मामा सारी कटिंग भी कर देंगी और आप लोग ओवन के पास भी नहीं जाओगे, क्योंकि आप दोनों छोटे हो ना, तो ये वाले काम मैं करूंगी। आप लोग बस अपना पिज्जा रेडी करोगे, ठीक है? फिर ठीक है मामा। फिर आज मरवा और अब्दुल रहमान बनाएंगे मिनी पिज्जास। चलो चलो लेट्स गो। ये हम बनाएंगे। वाह ये बन गया, अब हम बनाएं। रुको बच्चों, क्या हुआ मामा? मरवा अब्दुल रहमान हैंड वॉश तो किए ही नहीं। हैंड वॉश? बच्चों रूल नंबर वन, कोई भी काम करने से पहले हैंड वॉश करने बहुत जरूरी है, अगर आपने खाना खाना है या कुछ भी बनाना है।
हैंड वॉश किए बगैर आप लोग खाने की चीजों को टच नहीं करोगे, ओके? ओके मामा। गुड जॉब। चलो जल्दी से जाओ और जाके हैंड वॉश करो, फिर आप लोग पिज्जा बना सकते हो। जॉब बच्चों। चलो अब आप दोनों अपनी मर्जी का अच्छा सा मिनी पिज्जा बना सकते हो, और जब आपका पिज्जा रेडी हो जाए मुझे बता देना, मैं ओवन में रख दूंगी, ठीक है? चलो चलो कीप गोइंग, अब मैं अपना खाना बनाने जा रही हूँ। चलो हम बनाते पिज्जा। मिनी पिज्जा कैसे बनाएंगे? और इससे ट्राई करो आराम से। ये लो रवा, ठीक है? ये अब मैं मेरा भी डन ग्लास को उधर रख दूं। अब रहा अब हम क्या लगाए? अब अब्दुलमान अब हमें एक फोक चाहिए। मैं बोलो फोक कोई ना फोक ये लो ना ये चलो हम चल से डॉट क्या लगाएंगे? अब हमें सॉस लगानी है। यस ओके चलो एक ये वाला और एक ये वाला। थोड़ी देर में चिकन डालूंगा और एक इधर। मैं पहले टोमेटो लगाऊंगी इधर और मैं बम्बू लगाऊंगा एक इधर और एक इधर। अब मैं ये चिकन लगाती हूँ इधर वन और एक मेरा सबसे अच्छा है मरवा कभी होएगा। वाओ कितना अच्छा पिज़्ज़ा है। अब कोई डालता एक वन टू और एक थ्री। मैं भी और अब डालती हूँ एक इधर एंड वन मामा। जी बच्चों मामा पिज्जा ओवन में रख दे प्लीज। रेडी हो गया? चलो फिर पिज्जा ले आओ, ओवन भी रेडी है। ये बहुत मजे का लगेगा। मामा पिज्जा डन। मामा पिज्जा डन। लाओ मैं इसको ओवन में रख देती हूँ। वाओ बच्चों आप दोनों ने तो बहुत प्यारा पिज्जा बनाया है। वेरी नाइस। बच्चों आपका पिज्जा बन गया, ये मरवा का और ये अब्दुल रहमान का। थैंक यू मामा। थैंक यू मामा। वाह मेरा पिज्जा सिलाई वाला बरकतेला। सिलाई वाला बरकतेला। चलो हम खाते हैं। यस Hi friends, this is Sahresh and this is Lukman from Dubai. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जरूर बताएं and don't forget to like, share and subscribe to our channel. Take care, much love, Allah Hafiz. Bye.